प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्टूडेंट्स नजर आए। कक्षाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बन गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय सिंह को 20,420 वोटों से हराया। विक्रांत भूरिया को कुल 40,850 वोट मिले। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में 9 उम्मीदवार थे। आपको बता दें कि विक्रांत भूरिया कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र हैं। रेवा की बहुती ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बहुती गांव के ग्रामीणों ने हनुमाना जनपद पंचायत में धरना दिया और सचिव गौरव श्रीवास्तव को बहाल करने की मांग की। सागर में बेहरिया थाना क्षेत्र के नरवानी गांव के युवक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान वीरेंद्र लोधी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने वीरेंद्र की हत्या की आशंका जताई। विदिशा के सिरोज में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चोरों ने एक कर्मचारी के घर से 4,00,000 रुपए नकद के साथ 8 तोला सोना चांदी के गहने पार कर दिए हैं। भिलाई में नकली सोना गिरवी रखकर ठगी करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शातिर ठग ने 800 ग्राम नकली सोने के गहने गिरवी रखकर 10,00,000 रुपए की ठगी की थी, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। नवरा में 2019 के मेधावी छात्र छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए भटक रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। 2019 में 12वीं पास मेधावी छात्र लैपटॉप खरीदने के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए अब परेशान हो रहे हैं और दोनों सरकार के बीच में चक्कर काट रहे हैं। लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात जवान मुकेश पटेल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान का पार्थिव शरीर गुरुवार को देवास के चढ़ावत पर पहुंचाया गया। राजकीय सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के शहरों में भी नजर आने लगा है। दिल्ली से नजदीक मध्य प्रदेश के शहर में कड़ाके की ठंड का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया का न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो प्रदेश के कई शहरों का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। हनियादाना क्षेत्र में कंजर डेरों पर दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने लाखों की अवैध शराब जब्त की है। ये कार्रवाई सिलपुरा गांव में की गई, जहां से आबकारी विभाग की टीम ने करीब 200 लीटर कच्ची शराब जब्त कर 2000 लीटर जमीन में गड़ी हाथ भट्टी शराब को भी नष्ट किया। बैतूल के मुलताई के प्रभात पट्टन जनपद पंचायत के नरखेड़ा ग्राम पंचायत में एक परिवार को संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार ने सरपंच और सचिव पर अनदेखी का आरोप लगाया है। नवीन खाड़े ने बताया कि मार्च 2020 में उनके पिता साहिब राव खाड़े की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही संबल योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। मुल्ताई में ड्रीमलैंड सिटी कॉलोनी विकसित करने के नाम पर मनमर्जी से मुरम की अवैध खुदाई की जा रही है और इसका परिवहन भी किया जा रहा है। खनिज विभाग ने 250 घन मीटर की खुदाई के आदेश तो जारी किए थे, लेकिन यहाँ पर मनमर्जी से खुदाई कर खनिज विभाग को हजारों रुपए की रॉयल्टी का चूना लगाया जा रहा है। आष्टा में फीस माफ के मुद्दे को लेकर कई अभिभावक पुष्प विद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्राचार्य से चर्चा कर 50% की फीस माफ का ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने प्राचार्यों को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को युवा कांग्रेस की कमान मिली है। कमान मिलने के बाद विक्रांत भूरिया अपने पिता कांतिलाल भूरिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे थे।
सरसीदी में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बीती रात हुई बारिश से खरीदी केंद्रों में रखा अनाज पूरी तरह से भीग गया है। सीधी कृषि उपज मंडी में अनाज रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसके कारण खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज बेमौसम हुई बारिश की भेंट चढ़ गया है। चंद्रपुर के नौगांव में ईशानगर थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव में एक युवक का शव कुएं में मिला। युवक की कमर में पत्थर बंधा हुआ था, जिसके बाद से युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक की हत्या करने के बाद शव को बांधकर कुएं में फेंकना बताया जा रहा है। मृतक की पहचान कमलेश कुशवाहा के रूप में हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर एक साथ कई जुबानी तीर छोड़े। सीएम शिवराज सिंह के कांग्रेस किसान कर्ज माफी पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जितने बड़े झूठे पीएम नरेंद्र मोदी है, उतने ही बड़े झूठे शिवराज सिंह चौहान भी थे। किसान के कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री जी जवाब दे, ये उनके शब्द। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। इस दौरान सभी कॉलेजों में एहतियात बरते जा रहे हैं, जिससे छात्र संक्रमित न हो। वही विक्रांत भूरिया के एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सारंग ने कहा कि कांग्रेस कभी परिवारवाद से खुद को मुक्त करा ही नहीं पाई। कांग्रेस में दिल्ली से लेकर भोपाल तक परिवारवाद हावी है। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में शराब और जुआ जैसी विकृतियों को लेकर ग्रामीण लगातार लामबंद हो रहे हैं। पृथ्वीपुर के दुमदुमा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक सामूहिक निर्णय लिया। ग्रामीणों ने गांव में शराबबंदी और जुआ ना खेलने का संकल्प लिया। सर्व समाज के सामूहिक फैसले में यह भी निर्णय लिया गया है कि इस फैसले के बाद भी अगर कोई शराब या जुआ खेलते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना देना होगा। शाहजहांपुर जिले में कंजरों के हौसले बुलंद है। जहां कंजर नेशनल हाईवे पर ट्रक कटिंग की वारदातों को आए दिन अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब कंजर पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रही है। बीती रात कंजरों ने सुंदरसी थाने में पदस्थ टीआई समेत एक एसआई और दो आरक्षकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें टीआई आर के बोड़ाना, एसआई दीपक दुर्वे और दो आरक्षक घायल हो गए। जबलपुर में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग ने अभियान छेड़ रखा है। अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने बंदिया मोहल्ले और चांदमारी इलाके में दबिश देकर 4000 किलो महुआ लहान को नष्ट किया और 45 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। कृषि बिल को लेकर विरोध और समर्थन के दौर में भारतीय किसान संघ ने प्रेस वार्ता की। किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि किसान संघ ने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों में सुधार के सुझाव दिए थे कि त्रिस्तरीय कृषि व्यापार होना चाहिए, जिसमें सरकार द्वारा खरीद, मंडी द्वारा खरीद और निजी खरीद, मगर व्यापारियों पर भी अंकुश का प्रावधान होना चाहिए। शाहजहांपुर के शुजालपुर में बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रायसेन में आयोजित महाकिसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान कानून के फायदे गिनाए। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने आंदोलन कर पंजाब हरियाणा के किसानों को फर्जी किसान तक बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से असंतुष्ट फर्जी किसान आंदोलन कर रहे हैं। जबलपुर में जिला प्रशासन अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। खनिज विभाग ने तिलवारा चौराहे के पास से 4 डंपरों को पकड़ा है। पकड़े गए डंपरों में बिना रॉयल्टी के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वे डंपर ओवरलोडेड भी पाए गए थे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पोलायकला मंडल में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को शासन की योजनाओं का प्रशिक्षण देकर जन जन तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने कहा कि संगठन और बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही बीजेपी की जड़ है। हवाई में कटनी रोड पर स्थित चांदा घाटी पर तेंदुआ देखा गया है। राहगीरों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। जब वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग का अमला भी सक्रिय हुआ है, लेकिन अब तक तेंदुआ जंगल में कहीं ओझल हो चुका था, जिसकी तलाश जारी है। हालांकि वन अमला इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहा है। जबलपुर के मटामर गांव के रहने वाले एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक मनमोहर तिवारी रेलवे स्टेशन के बाहर होटल चलाता था, जो रीवा का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि मृतक देर रात बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान कैलाश धाम पहुंचते ही किसी अज्ञात युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है।
खंडवा के पनासा के दौरे पर आई ठाकुर ने कहा कि बिचौलिए और दलाल किसान आंदोलन को चला रहे हैं और इस आंदोलन में अय्याशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर पब और थिएटर चल रहे हैं, जिससे साबित होता है कि ये सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक किसानों के नाम पर दलाल और बिचौलिए आंदोलन चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। ऑनलाइन निर्वाचक प्रक्रिया के तहत आयोजित इन चुनावों में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर विक्रांत भूरिया को जीत मिली, तो सागर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल चौबे ने अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देकर अध्यक्ष का पद हासिल किया। अनूपपुर जिले के विद्युत वितरण केंद्र में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने बिसाहूलाल सिंह को सम्मानित किया। समारोह का संचालन प्रांतीय अध्यक्ष जेपीएन शर्मा और शाखा अध्यक्ष संतोष रेखवार ने मंत्री के साथ सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए किया। शिवराज सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर कृषि बिल को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। गुना में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सिसोदिया ने कहा कि किसान बिल पर कांग्रेस पार्टी सब किसानों को भ्रमित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे पाकिस्तान का भी नाम जोड़ दिया। शहडोल के जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के बाद सिविल सर्जन को हटाकर एक डेंटिस्ट को प्रभार देने से जिला अस्पताल के डॉक्टर्स नाराज हैं, जहां 20 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा देने की चेतावनी दे डाली है। डॉक्टरों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर सिविल सर्जन का प्रभार नहीं बदला जाता है तो वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में दो किसानों की खुदकुशी के बाद सियासत गरमाती जा रही है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि कर्ज और बिजली कटौती से तंग आकर इन किसानों ने आत्महत्या की है। जबीरा के पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवारों को सरकारी मदद देने की मांग की है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी। रायसेन में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान महासम्मेलन में सीएम ने किसान कानून के फायदे गिनाए तो विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। कोरोना वायरस से बचने के लिए 20 सेकंड तक हाथ धोने के निर्देश हैं, लेकिन 20 सेकंड तक हाथ धोने के कारण पानी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक युवा वैज्ञानिक श्रीकांत गंगवार ने एक यंत्र बनाया है जो पानी की बर्बादी को रोकता है। रायगढ़ में सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच चल रहे पीएफ समेत आधा दर्जन मुद्दों को लेकर गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। हड़ताल की भलक लगते ही निगम अधिकारी और महापौर सफाई कर्मचारियों से चर्चा करने पहुंचे, लेकिन ये चर्चा भी बेनतीजा रही। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने गुरुवार को अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में सम्मान समारोह के आयोजन किए गए। रायगढ़ में भी कांग्रेस जिला कमेटी ने जन सम्मान समारोह का आयोजन किया। नंदगांव में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जिला कलेक्टोरेट में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ नंदगांव महापौर हेमा देशमुख ने किया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की थीम पर आधारित है। जांजगीर चांपा जिले में युवक की हत्या कर उसकी आंखों को एसिड से जलाने का ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये वारदात खिसोरा गांव की, यहां पर घर में सो रहे मनोज कुमार कुर्रे के सिर पर वार कर उसकी हत्या की गई और उसकी आंखों पर एसिड डालकर जलाने का प्रयास किया गया। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शनी लगाई गई। इसका शुभारंभ विधायक प्रकाश नायक ने किया। विधायक ने कहा कि 2 साल में किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिल्हाटी में सहायक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सहायक आरक्षक 5 दिन की छुट्टी लेकर अपने रिश्तेदारों के यहां चिल्हाटी घूमने गया था। उसके बाद सहायक आरक्षक ने गांव के ग्राम पटेल के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने जेसीबी वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसी दहशत के चलते मामले की शिकायत थाने में नहीं की गई है। पत्थर तोड़ने ले जाई गई जेसीबी वाहन में नक्सलियों ने आग लगा दी। थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर ही नक्सलियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा गुरु घासीदास जयंती पर 4 बड़ी घोषणाएं की है। इसमें भिलाई सेक्टर के 6 में गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। इनमें नया रायपुर में गुरु घासीदास जी के नाम पर शोधपीठ और संग्रहालय, निगम क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक सेंटर, महान कलाकार देवदास बंजारी की स्मृति में पुरस्कार आरंभ करने और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा की। गोरखपुर में अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर बाइक रैली निकाली गई। दरअसल शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर गोरखपुर जेल परिसर स्थित फांसी घर में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को निमंत्रण देने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। आगरा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से नाबालिग की मौत हो गई है। नाबालिग अपनी दादी और बहन को दवाई दिलाने के लिए ले जा रहा था, तभी सड़क निर्माण में लगे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रोक दिया। ये घटना इरादत नगर थाना क्षेत्र के महिबा गांव के पास की बताई जा रही है। हादसे में राजखेड़ा निवासी नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। गोरखपुर के चौरी चौरा में बीजेपी विधायक संगीता यादव की पहल पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 कंपनियों ने 1,471 बेरोजगारों को नौकरियां दी। बीजेपी विधायक संगीता यादव ने कोरोना काल के दौरान रोजगार मेले के आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों की तारीफ की। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली चंदौली पुलिस एक बार फिर अपने उतावलेपन के कारण सुर्खियों में है। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदमाश के मौजूद नहीं होने पर उसके घायल होने की बात पुलिस ने कही, जबकि पुलिस ने बदमाश के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई और बैठाकर वीडियो बनाया, जिसे मीडिया को भी दिया गया। आगरा शहर में इन दिनों स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई मार्ग बंधित हैं। मार्ग बंद होने से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सकरे पाइपों में से गाड़ियों को निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ युवकों ने इसको कमाई का धंधा भी बना लिया है। युवक लोगों की बाइक इन पाइपों में से निकालने के लिए 10 से 20 रुपए लेते हैं और अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मंडा में डाकघर का उप डाकघर शुक्रवार की सुबह से बंद रहा, जिसके कारण ग्राहक परेशान होते रहे। इसकी जानकारी सागर स्थित कार्यालय के अधिकारियों को भी दी गई, फिर भी उप डाकघर नहीं खोला गया। मंडा के उप डाकघर का प्रभार सागर के MA खान को दिया गया है। कुक्षी के ग्राम बिलराई रामपुरा से आसपुर मार्ग बागनी नदी पर बना पुल जर्जर स्थिति में है। यहाँ सुबह भारी वाहन निकलते समय गुरुवार अचानक ये हादसा हुआ, जहाँ ये भारी वाहन अचानक सड़क में धंस गया। बिलराई, भवानीपुरा, रामपुरा, उमरी सहित कई रास्तों का आवागमन इसी पुलिया से होकर गुजरता है। पुलिया की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने खराब मेंटेनेंस को जिम्मेदार ठहराया है।